हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिलेटेड है आधार कार्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड। डियर फ्रेंड्स, आप जानते ही हो भारत में आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिटी बन चुकी है। बिना आधार कार्ड के हम आज की डेट में कुछ भी नहीं कर सकते। बट आज की डेट में आधार कार्ड का मिसयूज़ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। डियर फ्रेंड्स, आप बड़े ही आसानी से अपने आधार कार्ड की लास्ट 50 ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हो, यानी कि आप लास्ट 6 महीने में आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है उसे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे बड़े आसानी से चेक कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल यानी कि राजेंद्र क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें, ताकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक उस वीडियो की नोटिफिकेशंस रीच आउट हो जाए। डियर फ्रेंड्स, आधार कार्ड हिस्ट्री को जानने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे गूगल की सर्च बार पे जाना है और सिंपली आपको टाइप करना है UIDAI। डियर फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे, आप सिंपली लिंक पे क्लिक करके भी इस साइट तक रीच आउट हो सकते हो। डियर फ्रेंड्स, उसको टाइप करने के बाद आपको सिंपली ये जो पहले वाला लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने UIDAI की ऑफिशियली साइट ओपन हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपको आधार कार्ड हिस्ट्री जानने के लिए सिंपली इस वाले ऑप्शंस यानी कि आधार कार्ड ऑथेंटिसिटी हिस्ट्री इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है आधार कार्ड हिस्ट्री जानने के लिए। डियर फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शंस इसके ऊपर आप क्लिक करिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस ऑप्शंस पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली नई विंडो पे पहुंच जाओगे। डियर फ्रेंड्स, अभी आपको न्यू विंडो में या तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर UID यहाँ पे डालनी है, या तो आपको BID यानी कि वर्चुअल ID यहाँ पे डालनी है। आप सिंपली अपना आधार नंबर भी डाल सकते हो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिख रहा है इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करना है। डियर फ्रेंड्स, सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की न्यू विंडो दोबारा खुल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको बेसिकली कौन सी हिस्ट्री चेक करनी है। आपको सिंपली ऑल कर देना है। ऑल कर दीजिए। ऑल करने के बाद डियर फ्रेंड्स, याद रहे आपको लास्ट 6 महीनों की हिस्ट्री ही चेक कर सकते हो। तो यानी आपको यहाँ पे सिंपली 6 महीने जहाँ तक ये जा रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और करंट डेट सेट कर दीजिए, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड 50 तो आप 50 ही कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपके मोबाइल का OTP आया हुआ है आप सिंपली उस OTP को इधर डाल दीजिए। और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके आधार कार्ड की लास्ट 1 ईयर की हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आप अपनी लास्ट 50 ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हो। और डियर फ्रेंड्स, आप से यहाँ से इसे डाउनलोड भी करके सेव कर सकते हो और विजुअली चेक कर सकते हो कि आपने अपना आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया है।
डियर फ्रेंड्स, इस तरह आप बड़े ही आसानी से अपने आधार कार्ड की लास्ट 6 महीने की हिस्ट्री और लास्ट 50 ट्रांजेक्शन्स या जहाँ जहाँ 50 बार आपने यूज़ किया है वो आप चेक कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपने ये इन ट्रांजेक्शन्स में कहीं अपने आधार कार्ड यूज़ नहीं किया है तो आप UIDAI में कंप्लेंट भी कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।